नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। एक प्रश्न ये पक्का आएगा परीक्षा में और ये नाम है HDI इंडेक्स का। PCS से लेके BU से लेके और KVS सब में आएगा। KVS में क्यों आएगा? बिकॉज ये तो KVS के सिलेबस में ही है ना। तो बिल्कुल से याद कर लीजिए, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन होता है और HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, जो कि जारी होता है UNDP के द्वारा। इसकी रैंकिंग आ गई है सन 2021 के लिए, एक साल पीछे चलता है ये। 2021 में जो कुछ हुआ वो 22 में आया है ना, तो लेटेस्ट रैंकिंग आ चुकी है। और इसको सिर्फ परीक्षा के लिहाज से ही पढ़ना है, बाकी इसमें कुछ औचित्य मुझे दिखता नहीं है। ये लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अपनी अहमियत खोते जा रहे हैं बड़े बड़े इंडेक्सेस। खैर, चीज़ों को शुरू करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये PCS में। PCS में तो हर साल आता है, ठीक है। PCS मीन्स RO और PCS दोनों, और प्लस BEO गारंटी से पूछा जाएगा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। प्लस KVS में तो पूछना है ही, बिकॉज KVS के सिलेबस में आता है। तो जैसा मैंने बताया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये के द्वारा ये इंडेक्स, मतलब सूचकांक जारी किया जाता है। 191 देशों के ऊपर ये इंडेक्स का सर्वे किया गया, जिसमें कुछ रैंकिंग बनाई गई और इसमें कुछ पैमाने हैं। उस पैमानों के आधार पर सबको सीरियल वाइज खड़ा कर दिया गया कतार में। अब वो पहले पॉइंट ये देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बताता है। मानव विकास सूचकांक, जो कि UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, ये कंसेप्ट डेवलप किया था पाकिस्तानी मूल के एक अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने, और उसमें सहयोग दिया था भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी ने। इनके द्वारा बनाया गया कंसेप्ट था, जिसमें किसी भी देश में वास्तव में मानव ह्यूमन के का डेवलपमेंट कैसे हुआ, मानव का विकास का स्तर क्या रह रहा है, इसको जांचा जाता है। इसके लिए तीन बड़े पैमानों को यूज किया जाता है, और वो तीन बड़े पैमाने क्या हैं? पर कैपिटल इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन, मतलब जीवन प्रत्याशा, व्यक्ति उस देश में कितना जी रहा है, व्यक्ति कितना कमा रहा है, उसकी इनकम कितनी हो रही है, और व्यक्ति कितने वर्षों की शिक्षा ले रहा है ना, नंबर ऑफ ईयर्स इन स्कूल, मतलब विद्यालय में कितने साल बच्चा बिता रहा है, इसके आधार, ये तीन बड़े पैमाने हैं जिसके आधार पर ये रैंकिंग बनाई जाती है। इसी तीन आधारों पर अब ये रैंकिंग जो बनी है वो देख लेते हैं फटाफट। ये जी, भारत की रैंकिंग 191 में से 132 मिली है सर, हम 132वें नंबर पे। जब से मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू किया, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, मैं इंडिया को कभी 129, कभी 30, कभी 31, अभी 32 भी हो गया, इसी स्तर पे देखा है। विगत 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, 20 वर्षों में भारत ने एक ऐतिहासिक डेवलपमेंट किया है, वेदर इट इज़ एजुकेशन, वेदर इट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वेदर इट इज़ पर कैपिटल इनकम। खैर, लेकिन अभी भी हम लोग वहीं पे हैं, 191। और भारत क्या हुआ है, इसमें एक प्लेस नीचे हो गया लास्ट ईयर। पेपर में क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा तो लास्ट वाला पूछ लेगा। लास्ट ईयर मतलब 2020 में अपन 131 नंबर पे थे, ठीक है, अभी अपन 32 नंबर पे। रीज़न क्या दिया गया है, बोला ऐसा है कि आपका स्कोर ना 0.633 हो गया है। पहले हमारा स्कोर कितना था, 0.645, ठीक है, घट गया है। बोले क्यों? बोले कि ऐसा है, आपकी एवरेज एज घट गई इंडिया में लोगों की, 71 साल एवरेज एज थी पिछली बार, इस बार उन्होंने बोला है 68.8 हो गया। ठीक है, दुनिया में नहीं घटी होगी, यूरोप में जिस प्रकार से कोविड का प्रकोप रहा वहाँ लोगों पर इफेक्ट नहीं पड़ा, जैसा कि ये इंडेक्स की बातों से लग रहा है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि भारत में जो गर्ल एजुकेशन है, फीमेल एजुकेशन है, बेसिकली गर्ल या फीमेल कह सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ ईयर जो स्पेंड करते हैं स्कूलों में वो रिड्यूस हुए हैं। वो कितना रिड्यूस हुए हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है कि वो नंबर ऑफ ईयर रिड्यूस हुए हैं, कहाँ लिख दिया ये, इतना 12.6 से 11.9, मतलब 0.07 जो ईयर है वो रिड्यूस हो गया है फीमेल एजुकेशन में, स्कूली शिक्षा में, तो ये कमी कर दी इन्होंने। जीवन प्रत्याशा हमारी घट के 71 से 68.8 रह गई है। ये कोर रीज़न बताए गए हैं हमारी रैंकिंग को गिराने के लिए, या रैंकिंग को जो जस्टिफाई करने के लिए हमारी जो रैंकिंग है, ठीक है जी। रैंक वन कौन आया है इसमें, 0.962 के स्कोर के साथ स्विट्जरलैंड। अच्छा, इसमें रैंक नंबर दिए थे 0 से 1 के बीच में, है ना, एक की तरफ जितना जाएंगे वो सबसे ऊपर पहुंचता रहेगा। तीन कैटेगरी में देशों को बांटते हैं, फर्स्ट क्लास, मीडियम और थर्ड क्लास, मतलब जो भी लगा लीजिए, भारत मध्यम में है भाई, ठीक है, मीडियम रेंज में है इंडिया। और स्विट्जरलैंड यूरोप का एक देश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत शानदार देश है, बड़ा देश नहीं, शानदार देश है,
0.962 के स्कोर के साथ रैंक वन पे है, नॉर्वे 0.961 के साथ रैंक टू पे है, आइसलैंड 0.959 के साथ रैंक थ्री पे है, हांगकांग जो कि चाइना का एक उपनिवेश लगा लीजिए वो 9.952 पे है, और ऑस्ट्रेलिया। तो टॉप फाइव हैं ये लोग, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक लगती है, लेकिन सिचुएशन यहाँ मुझे बड़ी हतप्रभ करती है जब श्रीलंका आता है 73 पे। जी हाँ, श्रीलंका आता है 73 पे, जहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए आपको चार चार दिन लाइन में लगना पड़ता है एक लीटर पेट्रोल लेने के लिए, जहाँ राष्ट्रपति अपना पैलेस छोड़ के चले जाते हैं, जहाँ की जनता कराहती है भूख से, प्यास से, बीमारियों से। खैर, जिस पैमानों को रखा गया है, माइट भी वो चीज़ें उसमें फिट नहीं बैठती हों। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो इंडेक्सेस का फॉर्मेशन होता है वो कितने ज़्यादा आइसोलेशन में होता है, कितना ज़्यादा आइसोलेशन कि हमें स्ट्रिक्ट रहना है अपने स्टैटिक्स में, डेटा पे। प्रैक्टिकल रियलिटी आप नहीं देख रहे हो, मतलब श्रीलंका में 73 रैंक है, श्रीलंका इवन चाइना से भी ऊपर है। खैर, चाइना के भी विकास को मैं बंद हाथों का विकास ही मानता हूँ, बिकॉज वहाँ भी जो विकास है वो लोकतंत्र की हत्या करके ही प्राप्त किया जाता है, तो चाइना कोई बहुत बड़ा अच्छा सूचक नहीं है। भूटान 127वें नंबर पे है, बांग्लादेश 129वें नंबर पे। जी हाँ, बांग्लादेश 129वें नंबर पे है। बांग्लादेश की पर कैपिटल इनकम पहले से इंप्रूव हो रही है, भारत की भी 20 साल में इंप्रूव हुई थी। पाकिस्तान 161वें नंबर पे है, नेपाल 143वें नंबर पे है, और म्यांमार 149वें नंबर पे है। तो हमारे पड़ोसियों में तीन पड़ोसी हमसे नीचे हैं और चार पड़ोसी हमसे ऊपर हैं। ये रैंकिंग भी पेपर में पूछी जा सकती है, और सिर्फ याद करना परीक्षा के लिए और अपने जीवन में इसको लोड नहीं लेना है, ठीक है। हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, चीज़ें ठीक हैं। अब किस तरह से भारत लगातार आरोप लगाता रहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स में अन्याय होता है भारत के साथ, और इस चीज़ आपको दिख रही है। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आती है अलग अलग, या बिजनेस रिलेटेड जो सस्टेनेबल जो बिजनेस की इनोवेटिव सॉरी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली रैंकिंग्स होती हैं, उसमें भी कई बार पक्षपात का आरोप लगता है। खैर, ये सब चीज़ें हैं। तो परीक्षा के लिहाज से जितने क्वेश्चन इससे हो सकते थे सारे परीक्षा मैंने करा दिए हैं, इससे बाहर लगभग आएगा नहीं, और ये क्वेश्चन पेपर में आएगा भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।